नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में एसीआर टू कैटलॉगिंग पद्धति के अंतर्गत आज हम एक सिंगल ऑथर यानी एकल लेखक और कोई एडिटर वगैरह होगा उसकी एंट्री हम करना सीखेंगे। तो परीक्षा हॉल में इस तरह के जब आप सवाल आते हैं तो उसको आप इन विभिन्न प्रकार के जो ये अलग अलग जो कार्ड होते हैं कॉपी में, वो सिर्फ कार्ड ही बने हुए थे, ये इस पेपर में अलग होता है। मैं आपको एक साथ लेके आपको बता रहा हूँ। तो इस जो कॉलम होता है सबसे पहले इसमें आपको जो कॉल नंबर है वो सवाल में जो दिए हुए वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और फिर आपको इस कॉलम में यहाँ पर जो लेखक का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। लेखक का नाम है किम कॉयल हिल, तो इसमें जो सरनेम में पीछे वाला वो आगे लिख देना है और पीछे जो बचा हुआ वो आगे पीछे आपको उसके बाद लिख देना है और लास्ट में पूर्ण विराम लगा। फिर आपको अगली लाइन में यहाँ से आपको शुरू करना है, इसका जो टाइटल है वो आपको लिखना है जैसा दिया वैसे, टेक्सास गवर्नमेंट टाइटल, सब टाइटल भी है यानी उपशीर्षक भी है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये हो गया। अब इसके बाद आपको एक स्लैश लगाना और फिर बाई। अब आगे नहीं आ रहा है तो निचली लाइन में शुरुआत से करेंगे, इस लाइन से पहले लाइन से जो बचा हुआ वो शुरू करेंगे, बाई राइटर का नाम लिखना जैसा सवाल हम दिया हो वैसा, किम क्यूए, इसमें सरनेम आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गई। उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना है और उसके बाद इसमें एडिशन है तो डैश लगा के अगली जो सूचना कोई भी हो, जैसे एक आपने राइटर का नाम लिखा फिर आगे स्थान का जब नाम जोड़ेंगे या एडिशन जोड़ेंगे उसको डैश लगा के फिर जोड़ेंगे, तो फिफ्थ एडिशन, फिफ्थ ईडी और पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर अगली सूचना स्थान के लिए आगे डैश लगाएंगे और इसका स्थान है टेक्सास, है टेक्सास लिख देंगे और फिर कॉलन लगा के इसका जो पब्लिशर है वो हार्कोर्ट ये लिख देंगे। और फिर कॉलन लगा के इसका जो साल है जो वर्ष है वो लगा देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। ये जो टाइटल और इम्प्रिंट सेक्शन जो होता है उससे जो प्रिंटिंग संबंधी टाइटल और प्रिंटिंग संबंधी जो ऊपर ऊपर दिया वो लिख देंगे। अब अगले लाइन में जो जो इसका पेज नंबर वगैरह वो लिखेंगे, पेज नंबर है कोमा 269 पी और फिर है साइज 24 cm, ये हो गया। और उसके बाद पूर्ण विराम, अब अगली सूचना जोड़नी है तो डैश लगा के कोष्टक के अंदर सीरीज का नाम, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, यहाँ आगे नहीं आएगा तो निचले लाइन में लिख देंगे, निचले लाइन में या पहली लाइन से शुरू करेंगे, नौमी नंबर 12 पूर्ण विराम लगा देंगे, कोष्टक बंद पूर्ण विराम, ये हो गया। और इसके बाद इसमें एडिटर का नाम या यहाँ पर इसमें एसीआर टू में नहीं लिखेंगे और यहाँ पर आईएसबीएन नंबर आएंगे, आईएसबीएन एस लगा के यो नंबर दिए हुए जैसे दिए हुए से आपको लिख देने हैं, ये हो जाएंगे। और इसके बाद ये आपकी सूचना होगी। अब आपको ट्रेसिंग बनानी है, ट्रेसिंग में सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो लिखना है, टाइटल कहाँ से आएगा ये कॉल नंबर से आएगा 320 47 64, तो 320.47 यहाँ से अपन को लेंगे। तो डीडीसी बुक में अपन जाते हैं, 320 पॉलिटिक्स के है
ये 320 है वो पॉलिटिक्स साइंस यानी कि पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की है 320, और हमें चाहिए 320.4764। इसमें आगे होगा, आगे हम जाएंगे। तो इसमें 320.4 बेस नंबर से आगे फिर ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट से इसने लिया है। तो इसमें 320.4 यहाँ से बेस नंबर लिया है, और जो यानी कि 320.4 ये पॉलिटिकल पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के लिए लिया है, और बाकी 764 है ये टेक्सास के लिए है। जब आप वर्गीकरण करते हो तो उसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें ये टेक्सास के 764 है, तो यहाँ से यानी 320.4 जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और 764 टेक्सास के। तो कहने का मतलब टेक्सास गवर्नमेंट हो गया, कहने का मतलब। कई बार ये सब्जेक्ट हमें लेना पड़ता है, मतलब DDC की सहायता से। यदि DDC हमें एग्जाम हॉल में उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हम इसका जो टाइटल है वो हम लिख सकते हैं। ये टाइटल से हमें इसका सब्जेक्ट मिल जाता है ज़्यादातर। दो नंबर इसका टाइटल ले लेंगे, और 3 नंबर इसकी सीरीज, ये आपकी ट्रेसिंग हो गई। इतनी ही चीज़ें हैं। अब अगले एंट्रियां इसमें इसी की करेंगे, टेक्सास गवर्नमेंट की टाइटल की। और ये तो यहाँ पर एक चीज और हम लिखना थोड़ा भूल रहे हैं, ये जो एक्सेस नंबर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और वापस वही यहाँ कॉल नंबर, या इसका जो ये जो जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो कैपिटल आएगा, और पूर्ण विराम, और यहाँ पर वो ये सेम ये हर जो एडिड एंट्री उसमें आएगा। और यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे टाइटल, सॉरी सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट एडिड एंट्री कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको सब्जेक्ट एंट्री लिखा है, तो सब्जेक्ट एडिड एंट्री थोड़ा बढ़िया रहता है क्योंकि ये सहायक एंट्री है। और यहाँ पर आप ये एक ही चीज लिखते हैं, रेस्ट है जी, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, या रेस्ट एज मेन एंट्री, इस तरीके से हम लिखते हैं। और ये हो गई, उसके बाद टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टाइटल एडिड एंट्री, और यहाँ पर कॉल नंबर लिखेंगे, पहला जो मैंने टेक्सास गवर्नमेंट लिखा था वो सब्जेक्ट था, इसलिए हमने कैपिटल लिखा। ये टाइटल है, टाइटल को कैपिटल रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद है
टाइटल हो गया आप सीरीज की एंट्री। यहां पर कॉल नंबर लिख देंगे, और यहां पर सीरीज का नाम, सीरीज का नाम है वो लिख लेंगे, सीरीज ऑन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी नंबर 12। ये लेखक का नाम आ गया और रेस्ट एज मेन एंट्री। ये इस तरीके से ये सवाल हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला ये सवाल है, ये दिसंबर 18 का है, ग्रुप थर्ड का, फेयर शेयर्स इथिक्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका जो लेखक है टिमोथी गोर्निज, न्यूयॉर्क थॉमस एंड हडसन 99। कॉल नंबर दे रखिए, एक्सेस नंबर, पेज वगैरह, और स्टडी ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एडिटेड बाय ये ट्रेने एंड मेसिमो, सीरीज नंबर 18। तो सबसे पहले कॉल नंबर लिख देंगे, और उसके बाद नीचे इसके एक्सेस नंबर लिख देंगे, और यहाँ पर इसका जो लेखक का नाम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये जॉर्ज उसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, सब टाइटल, अब ये स्लैश करके अगली लाइन में बाई बाई, फिर उसका लेखक का नाम फिर से लिखेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम जब भी सवाल करेंगे तो यहाँ पर उसकी क्रमांक जरूर लिखेंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्रमांक और उसकी जो पद्धति है वो जरूर लिखेंगे, ये नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। और उसके बाद मेन एंट्री, फिर लेखक का नाम जैसा सवाल हम दिया है टिमोथी, पूर्ण विराम लगाएंगे स्लैश, और इसमें एडिशन है नहीं, दिया हुआ नहीं है, और फिर हम इसका जो जगह का नाम है, स्थान का नाम वो लिखेंगे, न्यूयॉर्क है और थॉमस हडसन। कॉलन लगा के कोमा लगा के जो साल है वो वर्ष लिख देंगे, और पूर्ण विराम। उसके बाद हम पेज नंबर वगैरह जो सवाल हम दिए वो लिख देंगे, 111 और 22 है। और
अगली सूचना है तो डैश लगा के कोष्टक के अंदर सीरीज लिख देंगे। स्टडीज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी नंबर 18, उसके बाद आईएसबीएन नंबर है वो अगली लाइन में यहां से लिखेंगे। और उसके बाद इसका जो वन अब हम ट्रेसिंग करेंगे जो 174 है पहले इसका लेंगे, तो आप डीडीसी में जाएंगे तो 174 का आपको मिल जाएगा। वन फोर सेवन प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल इथिक्स, तो हम प्रोफेशनल इथिक्स लिख देंगे। और दो नंबर इसका टाइटल आ जाएगा और कोई इसमें चीज है नहीं, और बस ये सब्जेक्ट इसका प्रोफेशनल इथिक्स है और इसका टाइटल बस। सब्जेक्ट एडिट एंट्री, यहाँ पर कॉल नंबर आ जाएंगे। और सब्जेक्ट यहाँ ये सेकंड लाइन से यहाँ पर यहाँ से लिखा जाएगा कैपिटल में। पूर्ण विराम लगेगा और नीचे यहाँ पर इसका जो लेखक का नाम जो मेन एंट्री में आपने लिखा था वो, ये लेखक वाला जो रिपीट होता रहेगा। और उसके बाद रेस्ट एज मेन एंट्री, ये हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, अभी टाइटल का एंट्री कर देंगे। टाइटल है फेयर शेयर्स, और उसके बाद यहाँ लेखक पूर्ण विराम रेस्ट एज मेन एंट्री। तो ये सवाल हो गया, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल ऐसा है, ये ट्रिपल सी में भी आता है और एशिया टू में भी आया हुआ है, ये दिसंबर 19 का, उसके बाद 19 के बाद भी हो सकता आया हो, लेकिन सवाल है इसमें देखो एक एडिटर है, मतलब ट्रांसलेटर है जो एक सहकार जिसको कोलोबरेटर कहते हैं, वो चाहे एडिटर हो ट्रांसलेटर हो उस एंट्री एक ही तरीके से कैसे होगी। विषय है आउटलाइन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, हरोल्ड होफिंग इसका लेखक है और ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटेड बाय गैलन एम फिशर। कॉल नंबर दे रखे, एक्सेस नंबर और पेज नंबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे और उसके बाद और यहाँ पर सेकंड में आप इसके एक्सेस नंबर लिख देंगे और यहाँ पर आप इसका जो लेखक है सरनेम पहले आ जाएगा, पूर्ण विराम नीचे आएंगे तो टाइटल आ जाएगा मेन एंट्री के अंदर। और सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर और पद्धति और उसके बाद मेन एंट्री। परीक्षा में जैसे सवाल खत्म होता अगले कार्ड में आप मेन एंट्री शुरू कर देंगे।
यहाँ से शुरू करेंगे। स्लैश लगा के बाई और इसका जो नाम है वो हरोल्ड होफिंग। ये वहां नहीं आ रहा था तो नीचे लैंड मैप यहाँ पर लिख सकते हो। ये टाइटल हो गया और उसके बाद दूसरा जो इसमें एडिटर हो या कोई भी हो तो उसको जोड़ने के लिए सेमी कॉलन लगाया जाता है और फिर लिखेंगे ट्रांसलेटेड बाय। इसका नाम है गेलन, फिशर एम गेलन। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। अब आपको अगला स्थान जोड़ना है तो डैश लगा देंगे और ये स्थान न्यूयॉर्क है। और उधर जगह नहीं थी तो फिर नई लाइन से शुरू कर देंगे और फिर कॉलन लगा के जो पब्लिकेशन है वो मैकमिलन। और कोमा लगा के सन पूर्ण रहा। अब पेज नंबर वाली जो सूचना वो लिख देंगे 452 पी बाईस पॉइंट छ। सीरीज है नहीं तो सीरीज लिख देते। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब एस वन है, इसमें दो सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी है, एस साइकोलॉजी के लिए, एस वन चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। तो आप साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों ही कर सकते हैं लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एस वन है तो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। तो एक नंबर लिख के चाइल्ड साइकोलॉजी। और दो नंबर इसका टाइटल और तीन नंबर इसका जो जो ट्रांसलेटर वो फिशर एम गेलन। अब इनकी एंट्री हम करेंगे। ये सब्जेक्ट एंट्री है चाइल्ड साइकोलॉजी, ये टाइटल है और ये ट्रांसलेटेड एंट्री। सब्जेक्ट एडेड एंट्री यहां पर और यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे और वो भी कैपिटल आएगा। और नीचे वो लेखक का नाम जैसा आपने मेन एंट्री में लिखा था। रेस्ट एज मेन एंट्री अब ये सब्जेक्ट की क्यों हो गई। अब टाइटल हो
और यहाँ पर कॉल नंबर, सब्जेक्ट क्या था, आउटलाइन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। पूर्णविराम और फिर लेखक, रेस्ट एज मैन एंट्री। अब वो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर एडेड एंट्री। यहाँ पर ट्रांसलेटर का नाम तो इस तरीके से आज हमने एक लेखक है या एडिटर की एंट्री करना सीखा। और आने वाले वीडियो में हम जो डबल ऑथर, जो जिसमें दो लेखक हो, उसकी एंट्री करना सीखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।